हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो हम लोग मतलब हम सबसे पहले हम अपने गांव गए थे मतलब पूजा करने के लिए, जो हमारे घर पे जो पुराना घर था, जो मतलब जहाँ पे हमारी मतलब दादी वगैरह रहती थी, तो वो वहाँ गांव में घर बना हुआ है, तो हम लोग वहीं गए थे। और घर जाने से पहले ये हनुमान जी का मंदिर है, पहले नहीं मतलब दो रास्ते गए हैं, एक गाँव की तरफ गया है दूसरी तरफ, तो हम लोग इधर आ गए थे। तो ये हैं पिलुआ वाले बाबा जी, जो यहाँ पे मतलब उसी नाम से फेमस हैं। ये देखिए, ये मतलब जो ये इनकी जो मूर्ति है वो ऐसी ही कहीं पे मतलब मिली थी पेड़ के नीचे, मतलब पिलुआ कुछ होता है उस पेड़ के नीचे मिली थी, तो वही है ये। तो अभी ये मतलब मंदिर में काम चल रहा है, और ये मतलब मेरे बच्चे, मेरी सासू माँ साथ में थी, हम लोग तो आए हुए थे इधर। तो ये मतलब काफ़ी मतलब वहाँ पे अभी बहुत मतलब लॉकडाउन हो गए थे तो काम बंद हो गए थे, तो उसके चक्कर में, लेकिन अभी काम चालू है उधर। तो मतलब हम जब जब गांव, ये मेरे पापा जी हैं मतलब ससुर जी, तो हम लोग जब जब गांव जाते हैं तो वहां दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि शुरू से मतलब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे या पुरखे जो होते हैं वो यहां मतलब ज़्यादा हर बार मतलब हर फेस्टिवल को या मतलब ऐसे भी कहीं अगर कुछ मंदिर जाना है तो यहां ज़रूर आते हैं। तो हम लोग भी आते हैं, और साल में कम से कम दो तीन जब जब गांव जाते हैं तब तब यहाँ ज़रूर जाते हैं। देखिए मतलब ये एक मतलब मिट्टी का पहाड़ सा है, उसके ऊपर ये बना हुआ है, मतलब बहुत ऊँचे हैं क्योंकि पीछे बेहड़ ही बेहड़ है। तो दर्शन होने के बाद हम लोग चल दिए थे वापस, क्योंकि ये देखिए कितने ऊँचाई पर है, और यहाँ ये मंदिर के सामने ऊँचाई है, बाकी उधर बहुत नीचा है, तो ऊपर तक गाड़ी ले आते हैं। उसके बाद ये मेरी मम्मी जी मतलब सासू माँ हैं, और हम लोग गए थे साथ में क्योंकि दिवाली की पूजा भी करनी थी घर पे, क्योंकि हम हर साल दिवाली की पूजा के लिए घर जाते हैं। और ये हमारा मतलब गांव का घर है, वहाँ पे मतलब अंदर है कमरा, तो लाइट का इतना वहाँ पे नहीं है। तो ये चाचा जी हैं मतलब पापा जी के भाई, और वो पापा जी बैठे हुए थे तो कर रहे थे, और वो मेरी बेटी है वो साथ में थी। तो हम लोग मतलब गाँव में ज़रूर ही पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो वगैरह लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे दिए जलाए जाते, मतलब घी के दिए जलाते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा शुरू से होता है हम लोग वैसा ही करते हैं, कभी भी मतलब फेस्टिवल पे वहाँ स्किप नहीं करते हैं, ये हमको करना ही है। एक बार को हम घर में नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ हम ज़रूर जाके करते हैं, क्योंकि अभी हम हैं मतलब इतना पॉसिबल हो पाता है तो हम ज़रूर जाते हैं वहाँ पर, और अच्छा भी लगता है मतलब कि मतलब। और ये देखिए वो दिया वहाँ पर रख दिया था, मतलब अभी शाम नहीं हुई थी, ये हमारे गाँव का घर है मतलब पुराना है, अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, खाली पड़ा है, क्योंकि हम लोग पूजा करके फिर वहाँ पे बंद करके आ जाते हैं। ये देखिए मतलब ये दो तीन घर हैं, मतलब यहाँ पे चार चार मतलब लोग हैं, मतलब बाबा के कोई रहे होंगे भाई भाई, तो ये सब मतलब कोई मतलब खंडवा है जगह, वहाँ चले गए हैं, और हम लोग इटावा आ गए हैं, और चाचा जी हैं वो भी इटावा रहते हैं। तो हम मतलब साफ़ सफ़ाई कर देते हैं और पूजा वगैरह, वो सामने किचन थी, बाथरूम थी, मतलब पुराने स्टाइल का बना हुआ था, और इधर ये मतलब पिताजी पापा जी के जो भाई हैं उनके उनका घर है, ये बाथरूम बनी हुई थी मतलब, तो ये बंद रहता है, और मतलब गांव के जो अदर लोग रहते हैं वो सब यूज़ करते हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी घर जाके। पर यहाँ पे मतलब वीरान से रहता थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, लेकिन क्या करें। तो वहाँ की पूजा करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, ये हमारे ये दिवाली की शाम का ही है, मतलब शाम को 6 बजे से मुहूर्त था, 7:30 बजे तक, तो ये 7 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोग मतलब पूजा कर रहे थे, और क्योंकि घर में भी आके साफ़ सफ़ाई करनी होती है, तो वही मैं कर रही थी साफ़ सफाई के बाद। और ये हमारी पूजा, ये हमने दिए वगैरह रखे थे यहाँ पे, मेरी बेटी आ गई थी मुझसे बात करने के लिए, तो हम लोगों ने मंदिर बनाया था ऊपर, तो हमारा हमेशा ही रहता है मतलब पुराना मतलब घर अंदर का जो कमरा है उसमें ही हमने मंदिर बनाया हुआ है, तो ये अलमारियों में, तो ऊपर का परमानेंट रहता है, नीचे ये हमने गणेश लक्ष्मी जी लगाए थे, और ये कैंडल्स वगैरह लाइट वगैरह लेके आए थे, तो लगाई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये घी के दिए मतलब लगे रखे थे लक्ष्मी जी के सामने, तो हमने बनाया था। उसके बाद फिर हम तो अच्छा लगता है काफ़ी हम लोग, क्योंकि और पापा जी की उस दिन नाइट शिफ्ट पड़ गई थी, तो वो नहीं थे पूजा के टाइम पे, मतलब उनका कभी कुछ छुट्टी नहीं रहती है, तो हम लोग थे, मम्मी जी थी और पापा जी चले गए थे, और मतलब हस्बैंड थे, बच्चे थे, और ननंद है वो अभी है। ये देखिए ये मेरे बच्चे, जब जब हम मतलब पूजा करते हैं आरती करते हैं तो ये लोग साथ में ऐसे ही करते हैं, आना भी चाहिए बच्चों को, देखो हर चीज़ पेरेंट्स ही सिखाते हैं बच्चों को, तभी बच्चों को आता है। तो ये मेरी बेटी देखो कितने इतने मन से पूजा कर रही थी, अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये मतलब इसको आरती आती नहीं है, लेकिन फिर भी ये मतलब कुछ भी बोलती है जैसा मतलब उसको समझ में आता है, तो मैं हम लोग मतलब कर रहे थे, फिर हम लोग उसे देख रहे थे, तो मैंने उसकी तरफ कर दिया था कैमरा। तो ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर बनाया हुआ था। उसके बाद हम ये पूजा करने के बाद फिर जो और मतलब होता है, 2 मिनट मतलब बैठे हुए थे,
उनके पास और दिए वगैरह जलाने के लिए, क्योंकि मतलब प्रसाद वगैरह सब रखते हैं और उसके बाद फिर छत पे ले जाने के लिए। तो मतलब बैठते हैं थोड़ी देर वहाँ पे, मतलब जो मतलब दिवाली की जो कहानी वगैरह होती है, क्यों मनाई जाती है, वो बच्चों को बताते हैं, तो बच्चों को समझ में मतलब आना, पता होना चाहिए ना, इस पता होना चाहिए इसको। फिर तो ये बैठे हुए थे, उनका भोग लगाते हैं, और ये रिंग लेके आए थे मम्मी जी के लिए, जो गणेश लक्ष्मी जी के पास रखी थी। तो ये रिंग हम लाए थे मतलब मम्मी के लिए गिफ्ट के लिए। और तो मतलब जैसा बोलते हैं कि सोने या चांदी की पूजा की जाती, तो हमने वही रिंग रख दी थी फिलहाल में। और ये बैठे हुए हस्बैंड बैठे हैं, ये मेरी मम्मी जी, मतलब हम सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, बच्चों को भी मतलब बच्चे भी मतलब जहाँ हम रहेंगे वहीं बच्चे रहते, तो देख मेरी बेटी देख रही थी इधर को, तो अच्छा लगता है काफ़ी। ये मतलब हम मतलब भोग के लिए बर्फ़ी वगैरह सब साथ में रखी हुई थी, और मतलब मंदिर को इतना मतलब लाइट से सजा दिया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए बैठे हुए थे। और बेटा मेरा पीछे मतलब वो लाइट्स रिमोट वाली थी, तो उससे वो कभी उसका कलर चेंज कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, कभी ग्रीन रेड मतलब मल्टी कलर में था, तो वही कर रहे थे। और इसके बाद फिर तो कथा होती है, वो मतलब सुना रहे थे और एक दूसरे को। तो बैठे हुए थे हम लोग, पूजा कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर इनका मतलब भोग लगाया, जो प्रसाद होता है वो सब मतलब देते हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। और बच्चों को लगा था कि जल्दी चलो पटाखे फोड़ेंगे, ये देखो ये जैसे ही छत पे गए तो एक डुग्गल बिल्कुल हमारी छत के ऊपर से जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब वो पास से निकला एकदम, फिर ऊंचा ही होता चला गया। उसके बाद फिर ये बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। ये मेरा बेटा है, इसको पटाखों का, और बेटी को डर लगता है पटाखों से, और उसको नहीं लगता है ज़्यादा, तो मतलब वो मतलब उसका मन ही नहीं हो रहा था कि नीचे जाएं, और वो जब से ऊपर चढ़ा तब से मतलब एक बुझ नहीं पा रही थी और दूसरी जला रहा था। ये देखो उसके पापा उसके साथ उसको जलवा रहे थे। तो मतलब ये मेरी ननंद और ये मतलब, तो अच्छा लग रहा था। तो और ये बच्चे, आप इधर उधर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, उनको तो नहीं रोक सकते, तो बार बार आ जाते हैं। तो ये मेरी ननंद है, मतलब वो जो ज़मीन में फिर क्या होते हैं वो चलाते हैं, और उसके पास ही वो देखो हमारे यहाँ गोधन क्या बनते हैं, मतलब वो बनाए जाते हैं गोबर के, गाय के गोबर के, तो वो मतलब दिवाली वाले दिन एक बनाया जाता है, फिर दूसरे दिन और सारे मतलब उनकी फैमिली और मतलब हर चीज़ बनाई जाती है, तो मतलब वो पूजा होती है, तो वो बने हुए थे। और ये पटाखे चल रहे थे इधर उधर, तो ऊपर जाके तो इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ लाइट्स थी, और इस साइड मतलब ये दिए लगाए थे ऊपर, तो इतनी तेज़ हवा लग रही थी, उसके बाद इतने दीवार के साथ किनारे किनारे दिए रख दिए थे, क्योंकि ऊपर वो जल ही नहीं रहे थे और बार बार बुझ जा रहे थे, तो ये लाइट वगैरह लगी हुई थी, तो अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, चारों तरफ उजाला ही उजाला। और जब बच्चे मतलब फुलझड़ी वगैरह जला रहे थे तो ज़्यादा उजाला हो रहा था, तो मतलब पता नहीं इस बार तो अच्छा ही लगता है मतलब दिवाली वाले दिन। और फैमिली के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बिना फैमिली के कुछ भी नहीं होता है, तो फैमिली है तो सब कुछ है। तो ये देखिए, ये मेरी ननंद जला रही थी अभी, ये मतलब मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है पटाखों का, इतना मतलब होली पे इतना एंजॉय नहीं करता है, दिवाली उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लॉट्स ऑफ पटाखे, लॉट्स ऑफ मिठाइयाँ, और बच्चों को ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब ये हस्बैंड फ़ोन पे मतलब फ़ोन वगैरह आ रहे थे विशेज़ के लिए, और ये मेरी बेटी कह रही थी देखो मम्मी भैया जला रहा, उधर करो, तो ये और कर रहा था, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हल्की ठंडक सी भी थी ऊपर, तो ये अनार जो होता है मतलब वो अनार ही बोलते हैं इसको, तो वही जला रहे थे, तो ये जल नहीं रहा था, और मतलब सब लोग खड़े हुए थे पीछे, मैं भी उधर को फिर लेके खड़ी हो गई, पर वो जल ही नहीं रहा था, वो पता नहीं क्या उसको ख़राब हो गया था, मतलब अच्छा लगता है। फिर वो दोबारा जलाने के लिए गई मेरी ननंद, वो जलाने के फिर वो जल जाता है बाद में, पर पता नहीं क्यों पहली बार जला नहीं हो। तो यह दोस्तों बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे। और ये देखिए अभी ये चल गया, और कैंडल्स भी लगाए थे, दिए लगाए थे, पर हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी तो वो सब बुझ गए थे, लेकिन फिर मैंने उसको जितने वो जले नीचे लगा के उतने ही जलाए, बाकी फिर मैंने जलाए नहीं। और ये देखिए ये, और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब वो ये सब पटाखे फूट रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखों से, पता नहीं क्यों, वो उसने एक फुलझड़ी को भी हाथ में नहीं लिया, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब किसी किसी बच्चे को होता है ना कि डर लगता है कि क्या करें, और आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ की आवाज़ होती तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो
और ये मेरे, ये देखिए, ये मतलब आज पापा जी नहीं थे तो बस पापा की कमी थी, बाकी सब लोग थे, मम्मी जी, मैं और बच्चे सब खुश थे, और सब लोग अपनी भी छत पे जला रहे थे, वो सामने भी पीछे भी। तो हम लोग के मतलब जानने वाले भी इधर ही रहते हैं आसपास, तो छत पे आ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों को तो नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो ये जो मम्मी जी भी खड़ी थी पास में और ये जला रहे थे। और उसके बाद फिर मतलब हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब हो गया था, खाना वगैरह, और मिठाइयाँ खाई थी। अब सिर्फ जलाने के लिए हम लोग छत पे आ गए थे और बच्चों के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिवाली ऐसा एक मतलब रोशनी का त्यौहार है। और हम लोग तो दिन में गांव भी गए थे, मतलब उस दिन पूरा दिन बिजी था, क्योंकि गांव में जाके भी पूजा करने गए थे, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़रूरी होती है। भले ही वहाँ नहीं रहते हैं, ताला मतलब रूम जो होता है उसमें ताला रहता है, बाकी बाहर का यूज़ करने के लिए मतलब गांव के और जो रिलेटिव हैं, मतलब परिवार के ही हैं, वो यूज़ करते हैं, तो साफ़ सफ़ाई हो जाती है, क्योंकि बंद रखने से कोई वो नहीं है, तो वो लोग रहते हैं तो करते हैं, क्योंकि उनकी भी, और गांव में काफ़ी होता है भूसा वगैरह होता है रखने के लिए, लकड़ियाँ, मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर उनके कोई रिश्तेदार आ गए तो उनको बिठाने के लिए, लिटाने के लिए, और इस बहाने से मतलब वहाँ साफ सफाई भी रहती है, तो अच्छा लगता है। और हम लोग जाते हैं तो हमको पूछते हैं हर चीज़ के लिए, तो अच्छा लगता है इसलिए। और मतलब क्योंकि गाँव में जहाँ हमारा घर है वहाँ पहले कभी चार फैमिली रहती होंगी, चारों की चारों मतलब बाहर निकल गए सिटी में, मतलब वहीं कमाने खाने लगे, मतलब वहीं पे उनका सेटलमेंट हो गए, तो इधर कुछ नहीं बचा इसको ओपन करवाओ तो उसके लिए। लेकिन हम लोग जाते हैं कभी होली पे या दिवाली पे, या कभी कभार ऐसी भी चक्कर या शादी ब्याह कुछ भी होता है मतलब गाँव में, हम लोग जाते हैं तो वहाँ साफ़ सफाई करके दिया बत्ती पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है ये सब करना। और मतलब, और हमको मतलब कैसे पता चलेगा, हमारे जो हमसे जो बड़े हैं वो करते आए हैं, हम करेंगे तो हमसे छोटे हैं वो सीखेंगे, तो मतलब बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, जब हम ही कुछ नहीं करेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, तो इसके लिए ये सब ज़रूरी ही होता है। और इसमें कुछ ज़्यादा जाता भी नहीं है, इतनी बिजी लाइफ में से अगर थोड़ा टाइम उनके लिए भी निकाल लो तो क्या बिगड़ेंगे। और ये दूसरा डुग्गल सामने छत पर जला रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पास में, तो वो उड़ नहीं रहा था, पर उसको मतलब ऐसे भी करके उसको अगर उसमें ऐसा होता है उसमें गैस बन जाए तो उड़ने लगता है। उसके बाद फिर ये सामने से उड़ के हमारी छत के ऊपर से गया था, ये मतलब पास में ही आता चला जा रहा था, तो अच्छा लग रहा था। बच्चे भी ज़्यादा खुश हो रहे थे, रो रहे थे कि आप क्यों नहीं लेके आए, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं ले आया, तो नहीं लाए थे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मतलब थोड़े जो मतलब उनको हार्मफुल ना हो ऐसे पटाखे लेके आए थे, क्योंकि बच्चे तो नहीं समझते हैं कि ये मतलब क्या है, तो मतलब बच्चों का ये सब देखना पड़ता है। और पकड़ा नहीं जाता बच्चे, तो मेरे बच्चों ने तो फुल इंजॉय किया, हम लोगों ने भी किया, और थक गए थे क्योंकि पूरा दिन गांव गए थे, गांव के बाद फिर हम लोग पहले मंदिर गए थे, फिर गांव गए थे, गांव से फिर घर आए, फिर घर में भी बहुत सा ऐसा काम हो जाता है थोड़ा छोटा मोटा, क्योंकि रेडी होना है, बच्चों का देखना है, सब कुछ, तो वही सब करते करते शाम हो गई थी। और गांव में फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये आई थिंक लगभग 9 कुछ बज गया था, तो उसके बाद फिर पटाखे भी मतलब फिनिश ही हो गए थे लगभग, क्योंकि बच्चे, मेरा बेटा तो रुक ही रहा था, तो वो फोड़ने में लगा हुआ था और जलाने में, तो उसके बाद फिर हम लोग ये हो जाने के बाद, और थोड़ी ठंड रात जैसी बढ़ती है वैसी ठंड सी होने लगती, तो हम लोग ये, मैं ये नीचे आ गई थी, और सब और मतलब और जो मिलने के लिए जाते हैं सासू माँ जो जिनको जानती है वो लोग सब चले गए थे, मैं रह गई थी अकेले घर पे, तो मैं सब सामान वामान रख रही थी इधर उधर, और थकान भी हो गई थी काफ़ी, तो मतलब लेकिन बहुत मज़ा आया दिवाली पे। और हर साल ऐसा ही होता है, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मज़ा आता है, और सबसे ज़्यादा बच्चों का, और बच्चों की ख्वाहिशें मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं हमारे घर। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो हो गई है दिवाली की शाम, और पूजा वूजा सब करके, और हम लोग ये देखिए इतने पटाखे फूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है छत पर तो, और बच्चे सब पटाखे फोड़ने में इतने बिजी थे, और मतलब सबको बहुत मज़ा आया, और भगवान करे हर किसी के पास फैमिली हो और फैमिली के साथ ही वो अपनी दिवाली मनाए। हैप्पी दिवाली, जोर से बोलो, जोर से, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपने क्या खाया ऊपर, क्या खाया था मीठा मीठा? बर्फी खाई थी, मिठाई खाई थी, और पटाखे फोड़े थे, लेकिन आपको तो डर लगता है, लेकिन डरा देते। तो अभी कल डैडी से आपको लिए छोटे वाले मंगाएंगे, ओके? सबको बोल दो हैप्पी दिवाली, और गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। तो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। हैप्पी दिवाली।
तो अब हो गया है शाम और अधिकतर मतलब सबके घर में मतलब कैंडल्स वगैरह हो गई हैं और हमारे घर पे भी हो गई हैं। और तो बच्चे भी थक चुके हैं और हम लोगों ने मतलब खाना वगैरह बनाया और सबके साथ मतलब एंजॉय किया। तो लगभग टोटल सारा काम हो गया है, बस अब थोड़ा जो मिलने के लिए होते हैं मतलब इधर उधर जाते हैं, हमारे घर कोई आता है तो बस वही रह गया है। तो अभी हम लोग छत से नीचे आए हैं तो बहुत ही मतलब एकदम अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल मनाओ। तो हम लोग भी अपनी फैमिली के पास ही आए थे तो फेस्टिवल के लिए ही, मतलब पहले यहीं थे पर चले गए थे, लेकिन जो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हम फैमिली के साथ ही करते हैं तो उसी के लिए हम लोग आए थे। और सबसे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं क्योंकि परिवार के साथ जो बच्चे रहते हैं वो अगर अकेले रहने लगे फिर बाद में उन्हें मतलब ये चीज़ ज़्यादा कमी ही लगती है, तो इसके लिए और है। और बच्चे भी बहुत खुश हैं और हम लोग भी तो खुश हैं क्योंकि हर वो कहते हैं ना कि हर दिवाली फैमिली वाली, मतलब फैमिली के साथ जो फेस्टिवल है वो अकेले वो चीज़ नहीं है। तो उसी के लिए हम इतनी दूर मतलब गए थे और मतलब इस मतलब सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग घर पे आए तो बहुत ज़्यादा मतलब घर वाले जो है घर में पेरेंट्स वो भी बहुत खुश होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही था। और आज का जब से यहाँ आए हैं तब से इतना बिजी रहते हैं, मतलब टाइम पता ही नहीं चलता है कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और सबके साथ बैठना, बातचीत करना और अपने अपने जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करना, तो और बच्चों को भी मतलब ज़्यादा वो नहीं है और वहाँ पे थे इतना नहीं था अकेले अकेले तो बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पे आके मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो और आज दिवाली हो गई है तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, गुड नाइट।